जिंदगी का एक टुकड़ा आ चख ले जरा। हेलो, मैं अशान गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल लाइफ गाइडलाइंस की वीडियोस। एक बच्चा जिसे बचपन से ही अपने लुक्स की वजह से काफ़ी सुनना पड़ता था। स्कूल में बच्चे उसे कभी एलियन तो कभी एबनॉर्मल चाइल्ड इस नाम से उसका मजाक उड़ाया करते थे, और इसी वजह से उसके कोई ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे। लुक्स का इशू तो था ही बच्चे के साथ में, साथ ही साथ स्टैमरिंग यानी कि हकलाना ये प्रॉब्लम भी था, जिस वजह से उससे कोई बात करना भी पसंद नहीं किया करता था। अब बच्चा तो बच्चा था, बच्चा का भी तो मन करता था कि कोई उससे बात करे, कोई उससे बोले, लेकिन अफसोस किसी का कोई उससे इंट्रैक्शन ही नहीं होता था। तो वो आधे से ज़्यादा टाइम वो अपनी पढ़ाई पर ही टाइम स्पेंड किया करता था, लेकिन पढ़ाई में भी वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा नहीं था। मतलब वो ठीक ठीक लेवल की पढ़ाई करता था, साई नेचर का था। लेकिन एक चीज़ वो बच्चा अपने आप में महसूस करता था, वो ये कि उसे लोगों को हंसाने में खुशी मिलती थी। फैमिली मिडिल क्लास थी, पिता किसान थे। बस धीरे धीरे वक्त ऐसे ही बीतता जा रहा था। वो बच्चा बड़ा हुआ, उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और फिर एक दिन ऑक्सफोर्ड प्ले हाउस में उसे नाइट शो के लिए उसे एक स्केच लिखने के लिए कहा गया था। परफॉर्मेंस उससे जान के एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, बिकॉज ये बच्चा स्टेमर करता है। लेकिन वो जो स्केच था, बच्चे ने उससे पहले कभी लिखा ही नहीं था। सिर्फ 2 दिन का टाइम और 5 मिनट का उससे स्केच प्रिपेयर करना था। आपको बताऊं उस बच्चे ने क्या किया? सीसी के सामने खड़े होकर तरह तरह के फेस बनाए, एंड तब एक नॉन फनी कैरेक्टर का जन्म हुआ। एंड देन ही रियलाइज्ड कि वो विजुअल कॉमेडी बहुत अच्छे से कर सकता है, और इसमें उसका साथ उसके एक फ्रेंड्स ने दिया जिन्होंने उसे हेल्प किया मिस्टर बीन नामक एक कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए। देखा, मैंने नाम लिया नहीं कि आपके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। जी हाँ, जिस बच्चे का मैं बात कर रहा था उसका रियल नेम रोवर एटकिंसन है, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें मिस्टर बीन के नाम से जानती है। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मिस्टर बीन बचपन में ही स्टेमर किया करते थे, एंड यही था मिस्टर बीन जिनकी बच्चे लोग मतलब उनके जो फ्रेंड्स थे स्कूल फ्रेंड्स बचपन में उनका मजाक उड़ाते थे, कोई उनसे बात करना पसंद नहीं किया करता था। अब सोचिए कि जब यही बच्चा बड़ा हुआ, उसने अपना नाम बनाया, तो 2013 में क्वीन एलिजाबेथ ने उन्हें कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के टाइटल से उन्हें नवाजा, एंड यू नो 132 मिलियन डॉलर्स प्रॉपर्टी की वो मालिक बने। एंड सबसे बड़ी बात मतलब ये उनकी ये लाइफ जर्नी का ये जिक्र मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए बिकॉज ही इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। मिस्टर रोवर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल कि भले ही उन्हें पता था कि वो स्टेमर करते हैं, वो हकलाते हैं, तो उन्होंने कैरेक्टर ही ऐसा बना लिया जिसमें ऑडियंस को उन्हें अपनी बात शब्दों से कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब देखिए, पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं, कितने ही लैंग्वेजेस हैं, पर ऐसा कोई नहीं होगा जो मिस्टर बीन के कारनामों को समझ ना पाए। उनकी फ़नी हरकतों पर कोई हंसी नहीं, हर किसी को समझ आता है ना, और हर कोई उनके ऑन स्क्रीन इस तरह की हरकतें देखकर हंस हंस के लुटपुट हो जाता है। हाँ, मेरे अंदर कोई पार्टिकुलर कमज़ोरी है तो उसी कमज़ोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर पूरी दुनिया के सामने आप रख सकते हैं, और फिर वही लोग जिन्होंने कभी जाने अनजाने आपकी हंसी उड़ाई थी, आपको क्रिटिसाइज़ किया था, आपको डिमोरलाइज किया था, वही लोग होंगे जो कि ये कहेंगे, अच्छा ये पता है मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, ये पता है मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। मैं हूँ शान गुप्ता और आप देख रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ गाइडलाइंस की वीडियो। थैंक यू।